जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंकाल क्या होता है, मानव का कंकाल क्या होता है। ठीक है भैया, तो मानव का कंकाल भैया क्या होता है? मानव का कंकाल एक हड्डियों का समूह है। क्या है? हड्डियों का समूह है, और ये हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, और साथ साथ में बाह्य सुरक्षा भी करता है। ठीक है, और दूसरा कंकाल जो हमारा बना होता है वो भैया अस्थि और उपास्थि दोनों से बना होता है, यानी बोन और कार्टिलेज से बना होता है। और बोन और कार्टिलेज में भैया ये भैया कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी इसमें जो हड्डी होती है, हड्डी में भैया क्या ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो उपास्थि में कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन? कांड्रिन प्रोटीन। ठीक है, और जो उपास्थि होता है वो कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों से मिलकर बना होता है। और जो हड्डी होती है, हड्डी हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है। ठीक है, और ये जो हमारा कंकाल है, मानव कंकाल है, वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार में क्या है भैया? बाह्य कंकाल, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहेंगे, और दूसरा क्या है? अंतःअंग कंकाल, जिसे हम कहेंगे इंडो स्केल्टॉन। ठीक है, बाह्य कंकाल देखिए, बहुत से ऐसे जंतु जैसे आर्थ्रोपोडस यानी आर्थ्रोपोडस संघ के जंतुओं को देखिए, सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है। सारे जितने भी जंतु उसमें पाए जाते हैं, जैसे मच्छर को देख लीजिए, एक बाह्य कंकाल उसमें पाया जाता है। अगला देख लीजिए, उसमें बिच्छू देख लीजिए, खटमल देख लीजिए, काकरोच देख लीजिए, ठीक है, या टिड्डा वगैरह देख लीजिए, तो उसमें कैसा? बाह्य कंकाल पाया जाता है। कैसा कंकाल? बाह्य कंकाल पाया जाता है। जैसे मच्छर देख लीजिए, क्या मच्छर, मक्खी, ठीक है, और टिड्डा, और खटमल, खटमल, इन सब में कैसा? बाह्य कंकाल पाया जाता है। किसा? बाह्य कंकाल पाया जाता है। बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया, ठीक है। अब अंतः कंकाल क्या होता है? अंतः कंकाल में देखिए, जब मतलब हड्डियां जो है बाह्य में ना हो, हड्डियां बाहर ना हो, या कोई भी कंकाल का कोई भी भाग बाहर ना हो, यानी जो मजबूत पार्ट है, हड्डियां वगैरह हैं या उपास्थियां हैं, वो बाहर ना हो, अंदर हो, यानी का मतलब, तो उसे कहेंगे अंतः कंकाल। अंतः कंकाल में देख लीजिए, मानव ले लीजिए, मानव, मानव ही पढ़ रहे हैं तो भैया मानव, मानव में कैसा कंकाल? अंतः कंकाल। गायों भैंसों को देख लो, गायों भैंसों, या लिख दीजिए चौपायों, गाय भैंस या चौपाई लिख दीजिए, चौपाई, यानी चार पहले वाले, चार पैरों वाले जितने भी जंतु हैं वो कैसे हैं? सभी में अंतः कंकाल पाया जाएगा। क्या? सभी में अंतः कंकाल पाया जाएगा। ठीक है, बिल्ली हो गई, बिल्ली भी चार पैर है, ठीक है, चौपाई में आ जाएंगे, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, मुर्गा लिख लेते हैं, मुर्गा, ठीक है, मुर्गा हो गया। और भैया देखिए, मांस खाते हैं मुर्गे की ना, या कोई भी जंतु की मांस खाते हैं, तो मांस में मायोसिन प्रोटीन, कौन सी? मांस में
यहाँ से रिलेटेड नहीं है, अलग से लिख दे रहा हूँ। मांस में कौन सी प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। और मांस मांसपेशी को बायोलॉजी की भाषा में मायोसिन कहते हैं। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं मायो, और इस ठीक है, और इसके मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहेंगे? मायोलॉजी। क्या कहेंगे? मायोलॉजी कहेंगे, ठीक है, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी, ठीक है। अगला है भैया अस्थि। अस्थि में एक जाली नुमा संरचना पाई जाती है हड्डियों के अंदर में। लोग जो हड्डी चूसते हैं या हड्डी चबाते हैं तो हड्डी में क्या होती है? वही अस्थि में जाली नुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं क्या है? अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो होता है, ठीक है, बोन मैरो होता है, और बोन मैरो में ही क्या रक्त का निर्माण होता है। क्या रक्त का निर्माण होता है, ठीक है, किसमें? इसी अस्थि मज्जा में। और इसका अगर नाश की बात करें, रक्त का नाश की बात करें, तो स्प्लीन में होता है। किसमें? स्प्लीन में होता है। रक्त का नाश स्प्लीन में होता है। और मुर्गा, मुर्गा में जो मांस खाते हैं उसमें मायोसिन प्रोटीन होता है। क्या? मायोसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। और कार्य के आधार पर अगर हम कंकाल को बांट दें, तो कार्य के आधार पर कंकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में, ठीक है, किसमें? दो भागों में, पहला अपेंडिकुलर, दूसरा एक्सिस। क्या? पहला अपेंडिकुलर, दूसरा एक्सिस। एक्सिस का मतलब और अपेंडिकुलर का मतलब समझ लीजिए। अपेंडिकुलर ऐसे कंकाल हैं जो मूवेबल है। क्या क्या है? मूवेबल है, उसे हम कहेंगे अपेंडिकुलर। और मूवेबल का मतलब क्या भैया? जो हमारे लिए कार्य करें। क्या करें? हमारे लिए कार्य करें, यानी हमारे लिए चलने, उठने, बैठने, दौड़ने, पकड़ने, उठाने में जो भी कंकाल सहायता करते हैं हमारी, उसे हम क्या कहेंगे? अपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। अपेंडिकुलर में क्या होगा? ये कार्य करने में सहायता प्रदान करेंगे, कार्य करने में सहायता प्रदान करेंगे, चलने में सहायता प्रदान करेंगे, अब चल रहे हैं तो दौड़ने में भी सहायता प्रदान करेंगे, साथ साथ में पकड़ने में भी क्या करेंगे? ये सहायता प्रदान करेंगे, और इन्हें कहेंगे अपेंडिकुलर। क्या कहेंगे भैया? अपेंडिकुलर। और अगर इनकी संख्या देख लें तो इनकी संख्या जो होती है वो 126 होती है। कितनी होती है? 126 होती है। ये एक्सियल का मतलब अक्षीय, अक्षीय का मतलब क्या? जो भैया नाजुक अंगों की सुरक्षा करें, नाजुक अंगों की सुरक्षा करें। नाजुक अंगों जैसे फेफड़ा हो गया हमारा, हार्ट हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? नाजुक अंगों की सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारे चेस्ट पे पाई जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं पसलियाँ। पसलियाँ क्या करती हैं? नाजुक अंगों की सुरक्षा करती हैं। दूसरा भैया खोपड़ी हो गया। क्या हो गया? खोपड़ी हो गया। क्या खोपड़ी में ना मस्तिष्क है? मस्तिष्क भैया, मस्तिष्क की सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए क्या खोपड़ी में भी पाई जाती है। कान की सुरक्षा, यानी जो श्रोणी ग्रंथियां हैं, सुनने वाली ग्रंथियां हैं,
उसको भी सुरक्षा चाहिए, तो कान में भी ग्रंथियां, ओ सॉरी हड्डियां पाई जाती हैं, कंकाल पाया जाता है। दूसरा हमारे पृष्ठ रज्जु यानी रीढ़, रीढ़ में भी तमाम प्रकार के नोटोकार्ड्स आए होते हैं, मतलब सेंसरी ऑर्गन कहाँ से अटैच होता है, हमारे मेंड्यूला से, ठीक है। तो अगर ये नाजुक मतलब ये एक्सियस कंकाल न पाया जाता तो क्या ये सुरक्षा कर पाता, न कर पाता। इसलिए इस मतलब जो एक्सियल है वो क्या करता है, नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, ठीक है। और ये इसकी संख्या अगर हम देखें तो 80 है, क्या है, 80 है, ठीक है भैया। देखिए अपेंडिकुलर में हाथ हो गया आपका, पैर हो गया, हाथ में भैया कितने होते हैं, एक हाथ में 30 होते हैं, अगले हाथ में 30 होते हैं, जिसे दोनों मिला दिया तो 60 हो गया। पैर में भी सेम होता है, एक पैर में 30 और हाथ दोनों पैर में 60 हो गया, 120 यही हो गया, ठीक है। गर्दन में दो हड्डियां पाई जाती हैं, इस बाहर हाथ के पीछे स्केपुला, वो दो पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है, चार ये हो गया, और श्रोणि में एकला, ये 6 126 खत्म। क्या 126 खत्म। अगला है एक्सियल, एक्सियल में 50 पाए जाते हैं, 26 वो पाए जाते हैं भैया, 26 रीढ़ रज्जु पाया जाता है, पृष्ठ रज्जु जिसे कहते हैं, ठीक है। रीढ़ में 26 हड्डियां और 24 हड्डियां हमारे छाती में, 50 हो गई, एक जोड़ती है जिसे कहते हैं स्टर्नम, वो भैया 51 हो गई, और 27 हड्डियां हमारे इसमें पाई जाती हैं, तो भैया 51 27 कितना हो गया, 22 पाई जाती है, कितनी 22 पाई जाती हैं, और 6 इसमें पाई जाती हैं, 6 हमारे कान में, यानी तीन, एक कान में 3 एक कान में 3, 6 हो गई, 22 6 28 29 हो गई, और एक गले में पाई जाती है जिसे हायोड कहते हैं, और फांसी लगाने पे हायोड ही क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, ठीक है। और इससे क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही मानव कंकाल में, ठीक है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर।